हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस है। स्पेशली ये बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है। प्लीज़ आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसके लिए मेरे वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरे न्यू अपडेट्स मिलते रहें। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज की रेसिपी है डिलीशियस प्रोटीन सैलेड, जिसमें मैं बहुत सारी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स यूज़ करने वाली हूँ। बच्चे बहुत चूजी होते हैं तो बहुत सारी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना पसंद नहीं करते हैं, बट आप इस रेसिपी को इस तरह से एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले हम देख लेते हैं इस रेसिपी के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो जैसा कि आपने देखा है पे मैंने मेयोनीज लिया है। ये एक नाशपाती है जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ये बॉयल्ड राजमा है। ये सेब है जिसे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ये एक संतरा है, इसे भी छोटे टुकड़ों में काट लिया है। कैप्सिकम है, इसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। ये उबले हुए आलू हैं। ये एक टमाटो है, इसे भी छोटे पीसेस में काट लें। अमूल फ्रेश क्रीम है, कंडेंस मिल्क है और ये उबले हुए काबली चने हैं। एक अनार है, इसके दाने मैंने पहले ही निकाल लिए थे। अब एक बिग साइज एम्प्टी बाउल ले लें और वन बाय वन उन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम ऐड करते जाएंगे। जनरली बच्चे राजमा या चने वगैरह खाना पसंद नहीं करते हैं और राजमा और चने वगैरह में हाई प्रोटीन होता है, तो आप उन्हें इस तरह से ट्राई करवा सकते हैं। इसमें क्रीमी फ्लेवर के वजह से उन्हें पता भी नहीं चलेगा वो कितनी सारी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और ये सारी चीज़ें खा चुके। इसमें आप अपने मन पसंद की कोई भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्रीम, कंडेंस मिल्क और मेयोनीज को आप अपनी क्रीमी कंसिस्टेंसी के हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मैंने चिली फ्लेक्स और क्रस्ट ब्लैक पेपर लिया है, इसे आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड और स्किप कर सकते हैं। कंडेंस मिल्क को भी आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करें। फिर हम इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट को बहुत ज़्यादा ऐड ना करें, ये सिर्फ टेस्ट को बैलेंस करने के लिए है। अब मैं इसमें अनार के दाने ऐड कर रही हूँ। फिर इसमें हम अमूल फ्रेश क्रीम मिलाएंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया, इसे आप अपने क्रीमी टेक्सचर के अकॉर्डिंग ऐड करें। अब हम इन सबको फिर से एक बार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस हेल्दी रेसिपी को आप सब एक बार ज़रूर ट्राई करें, इसे बच्चे और बड़े सभी बहुत पसंद करेंगे। मैंने इसमें लास्ट में फिर से चिली फ्लेक्स ऐड किया है, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। इसके टेस्ट का जो कॉम्बिनेशन है, इसमें तीखा, मीठा और नमकीन का एक बहुत अच्छा कंबाइंड फ्लेवर आता है जो आप सबको श्योर बहुत पसंद आएगा। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह मेरे चैनल पे बने रहिए, मैं इसी तरह के टेस्टी, डिलीशियस और हेल्दी फूड्स लाती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।